सिरोही में स्थित एक खेत से पुलिस ने सरसों व गेहूं की फसल के बीच अफीम की खेती पकड़ने के साथ ही खेत मालिक को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देश पर विशेष शाखा प्रभारी राकेश सांखला के नेतृत्व में आई टीम ने सांडवा थानाधिकारी हंसराज लूना के साथ मैच जाप्ते के सोमवार को दबिश देकर सरसों व गेहूं की फसल के बीच खड़ी अफीम की फसल पकड़ी है। मुखबिर की तला पर कार्यवाही कर पुलिस ने खेत मालिक प्रमाराम उर्फ परमानाराम पुत्र उमेदाराम जाट उम्र 62 वर्ष निवासी कांथल सर को गिरफ्तार किया है। सांडवा थानाधिकारी हंसराज लूना ने बताया कि पुलिस को आरोपी के खेत में 7,300 वर्ग फुट में अवैध रूप से हरे अफीम के पौधे मिले जिनका कुल वजन 16 क्विंटल 20 किलोग्राम है। थाना प्रभारी ने बताया कि जब्त शुदा अफीम की कीमत लाखों रुपए में है। प्रकरण की जांच छापर थाना प्रभारी रामनारायण चोयल कर रहे हैं। विशेष प्रभारी राकेश सांखला व सांडवा थाना प्रभारी हंसराज लूना के नेतृत्व में कार्यवाही करने वाली टीम में सांडवा थाने के हेड कांस्टेबल कुंभाराम, कांस्टेबल सुंदराम, भीमनाथ राजपाल, जयवीर जगदीश प्रसाद, विशेष टीम के हेड कांस्टेबल दशरथ सिंह, हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, मुकेश कुमार मुकेश, प्रमोद कुमार, रामचंद्र गुड़ानिया, विद्याधर, कपिल कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, धनाराम, विक्रम आदि शामिल थे। जो आपने अफीम की खेती कार्रवाई की थी उसके बारे में, उसमें ऐसा है, श्रीमान आईजी साहब बीकानेर, श्रीमान एसपी साहब चूरू, एएसपी साहब सीओ साहब के निर्देशानुसार डीएसटी टीम में सांडवा टीम की संयुक्त कार्रवाई की थी और मुखबिर की सूचना मिली थी कि कांदल सर रोई में किसी ने अपने खेत में अफीम की खेती कर रखी है, पौधे लगा रखे हैं। इस सूचना पर मौके पर रवाना हुए, खेत में पहुंचे, रोही कांदल सर में प्रेमाराम उर्फ परनामाराम उमेदाराम जाट उम्र 57 साल ने अपने खेत में अफीम की खेती कर रखी थी, पौधे लगा रखे थे। मौके पर कृषि पर्यवेक्षक एवं पटवारी हलका को बुलवाया गया, जगह मापी गई, 7300 वर्ग फुट पे सरसों गेहूं के बीच में दो जगह अफीम के पौधे बो रखे थे। कुल 16 क्विंटल 20 किलो किले पौधे वजनी नाप तोल करके सील चश्मा किया और मुलजिम प्रेमाराम को रिटेन कर कब्जे में लिया। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनता है मरुधर बुलेटिन।